दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल फान फूड विलेज लाइफस्टाइल। मैं हूं सुकुमार। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के ज़्यादातर लोग खेती के ऊपर निर्भरशील है और हम लोग का मुख्य फसल धान है। धान के फसल साल भर में दो बार पक के तैयार होते हैं, एक गर्मी के टाइम दूसरा ठंडा के टाइम। अभी नवम्बर महीना है और हम लोग का खेत में धान भी पक चुका है। दोस्तों इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे जमीन से धान को काट के बैलगाड़ी से घर में लाएंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी चलते हैं धान के खेत की ओर। ये देखिए धान बिल्कुल पक चुके हैं और देखने में भी कितने सुंदर और सुनहरे लग रहे हैं। फिर पके हुए पौधों को काट के ऐसे ही रख देते हैं। कट जाने के बाद सूखने के लिए दो दिन खेत में छोड़ देते हैं। दो दिन बाद खेत में फिर से हम लोग आए हैं। फिर सूख जाने के बाद एक एक करके इसको ऐसे ही बांध देते हैं। ये देखिए ये लोग कैसे बांध रहे हैं। फिर इसको इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं। जिन लोगों के पास धान को घर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं होता है वो लोग ऐसे ही धान को कंधे में उठा के घर ले जाते हैं। देखिए ये लोग कैसे धान को अपना घर ले जा रहे हैं। जिनके पास बैलगाड़ी है वो बैलगाड़ी से धान को घर लाते हैं। अभी बैलगाड़ी लेके खेत में जा रहे हैं धान लाने के लिए। दोस्तों हम भी बैलगाड़ी में सवार हो जाते हैं। बैलगाड़ी की सवारी बहुत ही मज़ेदार होती है। अभी बैलगाड़ी खेत में पहुंच गया है। फिर हम लोग धान को लोडिंग करके घर ले जाएंगे। दोस्तों ये देखिए पके हुए धान को कैसे लोड कर रहा है।
अभी पके हुए धान के पौधों लोड हो गया है। इसको अभी अच्छे से बांध देते हैं। इसके ऊपर में पहले एक तो बांस डाल देते हैं, फिर बैलगाड़ी के साथ रस्सी के सहारे इसको अच्छे से बांध देते हैं। एक साइड टाइट कर लेने के बाद फिर इसको आगे से ऐसे ही बांस को बैलगाड़ी में अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर लेना होगा, नहीं तो रास्ते में गिरने का चांस रहता है। अभी गाड़ी को खींचने के लिए पहले गाड़ी को थोड़ा सा उठा लेते हैं। फिर बैल को ला के ऐसे ही गाड़ी के दोनों साइड में बांध देते हैं। फिर बैलगाड़ी को लेकर हम लोग घर चलते हैं। अभी बैलगाड़ी में धान लेके अपना घर पहुंच गया है। ये देखिए, ये सूखी हुई धान की पौधों से धान निकलने का मशीन है। ये बिजली से चलने वाला मशीन है। इसी से हम लोग अभी अपना धान निकाल लेते हैं। धान निकालने के बाद बचे हुए सूखे चारा को एक जगह ऐसे इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि जानवरों को साल भर खाने के लिए सूखे चारा मिल सके। फिर धान को हम लोग साफ कर लेते हैं। ये देखिए, ये लोग कैसे सूख के सारे धान को साफ कर रहा है। ऐसे ही पूरे धान को साफ कर लेते हैं। फिर इसको बोरी में भर के घर में रख देते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।